नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव वर्ल्ड और बात करेंगे इसराइल और लेबनान के वॉर को लेकर, जहां इसराइल का हिजबुल्ला पर भीषण हमला हुआ है। लेबनान में इससे हाहाकार मच गया है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 400 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इसराइल ने हिजबुल्ला पर सोमवार को भीषण हवाई हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इसराइल द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और डॉक्टर शामिल हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के करीब 300 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की है। इसके साथ ही लेबनान में लोगों को तुरंत अपने घरों और इमारतों को छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है। लेबनान अधिकारियों के अनुसार बात करें तो उनके देश को 80,000 से अधिक संदिग्ध इजरायली कॉल मिले हैं। इनमें आम लोगों को अपने घर खाली करने के लिए कहा गया है। वहीं टेलीकॉम कंपनी ओगेरो के प्रमुख हमाद क्रेडी ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि इस तरह के कॉल तबाही और अराजकता पैदा करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जंग की तरह है। इसराइल की ये घोषणा जंग के आगाज के तौर पर देखी जा रही है। इससे पहले रविवार को हिजबुल्ला ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भी बात करें तो रविवार तड़के हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में 100 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी भी मच गई। इन हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह भी कहा कि हिजबुल्ला लगातार उनके लोगों पर निशाना बना रहा है। रविवार की सुबह जेजरिल घाटी में 140 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए। इसके बाद हाइफा, रमत, ड्रेविड एयरपोर्ट, नाजरेत, अफुला, निचली गलील सहित कई सैन्य ठिकानों के पास अलर्ट भी जारी किया गया है। IDF ने जानकारी दी है। एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिजबुल्ला का आतंकवाद हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। हजारों इजरायलियों ने अपनी रातें शेल्टर होम में छिपकर बिताई हैं। रॉकेटों की बौछारें उनके सिर के ऊपर से गुजर रही थी, कुछ उनके घरों पर भी गिरी हैं। रॉकेट अलर्ट सायरन रात भर लगातार बज रहा था। एक बार आप ट्वीट पर नजर डालिए। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर के धमाकों से हुई शुरुआत अब हवाई हमलों तक पहुंच गई है। इसराइल सिर्फ ड्रोन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से भी कोहराम मचा रहा है। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल पर इक्के दुक्के रॉकेट भी दागे थे, लेकिन इसराइल इतना करारा जवाब देगा ये खुद हिजबुल्ला को भी नहीं पता था और ना ही सोचा होगा, क्योंकि वो अभी पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से मिले जख्मों की पहली खेप से करहा रहा था। अब आइए जानते हैं कि अलग अलग पैमानों पर दोनों देशों की ताकत को समझने की कोशिश करते हैं कि फौजियों की तादाद दोनों देशों के सैनिकों की बात करें तो लेबनान इसराइल के सामने कहीं नहीं टिकता है। लेबनान के पास जहां सिर्फ 80,000 सैनिक हैं, वहीं इसराइल के पास 1,73,000 यानी 2 गुने से भी ज्यादा है। इसी तरह इसराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व फोर्स भी है, जबकि लेबनान के पास कोई रिजर्व फोर्स है ही नहीं। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स के मामले में लेबनान इसराइल से आगे है। लेबनान के पास जहां 25,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वहीं इसराइल के पास 8,000। हवाई ताकत यानी जंगी जहाजों के बेड़े के मामले में भी लेबनान काफी पीछे है। उसके पास जहां सिर्फ 78 एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं इसराइल के पास 601। फाइटर जेट्स की बात करें तो लेबनान के हाथ बिल्कुल खाली हैं। उसके पास एक भी फाइटर जेट नहीं है, जबकि इसराइल के पास 241 हैं। तो इसराइल और हिजबुल्ला वॉर को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां पर इसराइल ने हिजबुल्ला पर बड़ा हमला कर दिया है और जहां 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस खबर पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह।